हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष भारती और आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज पे स्वागत है। तो हम लोग का क्लासेस जो है बिल्कुल रेगुलर चल रहा है और जिस किसी को भी क्लासेस देखने के बाद डाउट होता है तो आप अपने डाउट को कमेंट में लिखें, मैं उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो अब जो है हम लोग अपनी क्लास की ओर मूव करेंगे। ये क्लास जो है एसे का है ना। इस अभी जो है हम लोग एसे में क्या है तो यहाँ पे सीखेंगे एसे के बारे में इस लेक्चर में। तो एसे का ये जो मेनली लेक्चर वन है अभी, है ना, ये जो है वो बिल्कुल लेक्चर वन है अभी एसे का। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो मेंस का होता है, ये यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि ये 250 मार्क्स का एसे होता है, है ना। एसे कितने मार्क्स के होते हैं? 250 मार्क्स के होते हैं। तो आज मेनली जो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में जो स्टडी करेंगे वो एसे के ऊपर ही करेंगे, है ना, कि ऐसे जो है। और ये ऐसे जो आज हम लोग इस लेक्चर में करने वाले हैं, ये ऐसे ऑलरेडी जो है हमारे यूपीएससी मेंस का जो 2020 का जो एग्जाम हुआ है ना, यूपीएससी मेंस 2020, इसमें जो ऐसे का जो पेपर था पहले, मैं इसी के ऊपर बात कर रहा हूँ। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इसमें दो सेक्शन होता है, एक सेक्शन ए होता है और दूसरा सेक्शन बी होता है। तो सेक्शन ए में आपको चार एसेज होंगे और इसी तरीके से सेक्शन बी जो है यहाँ पे भी क्या होगा, तो चार एसे होगा। और इस चार में से क्या करना होता है कि सेलेक्ट एक एसे को आपको चूज करना होता है जो आपको अच्छा लगे, मतलब जिससे आप लिख पाएंगे, है ना, जिसके पास आपके पास ऐसा लग रहा है कि इसमें इस ऐसे के ऊपर हमारे पास कंटेंट है, है ना, हम लिख सकते हैं। तो उस आप ऐसे को क्या करोगे, आप यहाँ पे चूज करोगे। जैसे कि अगर हम 2020 का जो मेंस एग्जाम हुआ है, अगर उस तो इस एग्जाम में जो ऐसे का पेपर था उसमें बात करेंगे तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है वो क्या है कि लाइफ इज लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, है ना। ये सबसे पहला क्वेश्चन था जो कि एज ए हम लोग अगर इसको देखें तो ये एक फिलोसिकल है, है ना, फिलोसफिकल ऐसे हो गया। और दूसरा क्वेश्चन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो क्या होता है कि माइंडफुल मैनिफेस्टो इज द कैटलिस्ट टू ए ट्रैंक्विल सेल्फ,
ये भी यहाँ पे क्या है तो फिलोसफिकल एसे है। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है कि शिप्स डू नॉट सिंक, शिप जो है वो सिंक नहीं करता है बिकॉज ऑफ वाटर अराउंड देम, है ना, इसके वजह से, तो इसके चारों तरफ जो पानी होता है ना उसके वजह से, लेकिन शिप सिंक, अब ये शिप डूब जाता है क्योंकि जो वाटर है वो इसमें क्या हो जाता है, इस शिप में इन कर जाता है, मतलब इसके अंदर घुस जाता है। तो ये भी क्या है कि फिलोसफिकल ही है, क्योंकि ये कहने का इसका मतलब है कि शिप जो है जिसके चारों तरफ पानी जो होता है उसके वजह से डूबता नहीं है, लेकिन वही शिप अगर उस शिप के अंदर में वही पानी क्या कर जाता है, इन कर जाता है, तो इसके वजह से फिर क्या हो जाता है, शिप डूब जाता है ना। तो ये भी फिलोसफिकल ऐसे ही है। अब फिर अगला जो है यहाँ पे, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफेस्टिकेशन, तो ये भी जो है, ये फोर्थ नंबर, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन, तो ये भी क्या है, एक फिलोसफिकल एसे है ना। तो ये चार ऐसे क्वेश्चन था, और इस ये सेक्शन ए का था। और अगर सेक्शन बी में बात करेंगे तो सेक्शन बी में क्या है कि कल्चर इज व्हाट वी आर, कल्चर क्या है, तो जो हम लोग हैं वो हमारा कल्चर है, और सिविलाइजेशन व्हाट वी हैव, है ना। तो ये जो है ये भी एक फिलोसफिकल ही ऐसे हैं। दूसरा अगर देखें यहाँ पे तो देयर कैन बी नो सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, बट इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी विदाउट सोशल जस्टिस इज मीनिंगलेस। तो इसमें सोशल जस्टिस भी और इकोनॉमिक जस्टिस भी है ना। तो सोशल जस्टिस और इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड ये क्या है, ये ऐसे है। तो ये चीज हमें पहचानना होता है। ये मैंने यहाँ पे फिलोसफिकल और ये सब जो ऐड किया है, मैं खुद से ऐड किया हूँ, ये आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा नहीं रहेगा, है ना। ये आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये जो पढ़ेंगे ना सेंटेंस से, आपको पता करना होगा ये फिलोसफिकल है या फिर क्या है। तो ये आपके क्वेश्चन में ये वाला चीज नहीं दिया रहता है, ये हम मतलब इसको आइडेंटिफाई किए हैं कि ये जो क्वेश्चन है या फिर ये जो ऐसे है वो फिलोसफिकल है, और ये जो है ये सोशल जस्टिस है या फिर इकोनॉमिक जस्टिस है। इसी तरह से अगला अगर बात करेंगे तो पैट्रियार्की, है ना, पैट्रियार्की जो है ये क्या है, इज द लीस्ट नोटिस्ड एट द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर ऑफ सोशल इनइक्वलिटी। तो ये भी क्या है, सोशल जस्टिस से रिलेटेड ये ऐसे है। फिर अगला है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी एज द साइलेंट फैक्टर इन इंटरनेशनल रिलेशन, तो इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी है और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये जो ऐसी है मतलब किससे रिलेटेड है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या किया, आइडेंटिफाई किया, मतलब अभी हमारे पास चार ए सेक्शन में था, चार क्वेश्चन बी सेक्शन में था, इसका मतलब है कि आठ ऐसे इसमें गिवेन है। तो ऐसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो भी आपका आठ को दिया हुआ है, तो आप अभी एग्जाम नहीं है तो फिलहाल आप आठों को लिखिए ताकि आपसे क्या होगा, प्रैक्टिस होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब तो क्वेश्चन का मैंने बात कर दिया कि आठ क्वेश्चन हमारे दिखे यहाँ पे, आठ ऐसे जो था, लेकिन इसमें से हमें दो ही ऐसे कोई सेलेक्ट करके लिखना है। तो अब ऐसे पेपर जो है यूपीएससी का, सिविल सर्विसेज का जो मेन एग्जाम होता है या जो 2020 में एग्जाम हुआ है, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूँ। ये हम लोग जानते हैं कि ऐसे पेपर जो होता है वो 250 मार्क्स का होता है। और दूसरी चीज, इसमें सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, तो इस सेक्शन में से चूज एनी वन एसे फ्रॉम दिस सेक्शन, इस सेक्शन में से कोई एक एसे को क्या करो, आप चूज करो, और फिर क्या करना है, हैव टू राइट एनी वन,
और किसी के ऊपर जो भी आपने एक सेलेक्ट किया इस चारों में से आउट ऑफ 4 ऐसे, है ना, मतलब इसमें से भी 2020 वाले में 4 ऐसे था, तो इस चार में से क्या करना था, किसी एक को लिखना था, है ना। तो पहले आप चूज करो चार में से, फिर किसी एक के ऊपर, चारों में से कोई एक के ऊपर आप ऐसे लिखो। और ये क्या होता है, तो 1 और 1/2 आवर्स, मतलब 1.5 घंटे का क्या होता है ये एग्जाम, मतलब ऐसे होता है 3 घंटे का, लेकिन एक दो क्वेश्चन आपको लिखना है, दो ऐसे लिखना है, तो एक ऐसे के ऊपर 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। और सेक्शन बी जो है, सेक्शन में बी में भी क्या होता है कि चूज एनी वन फ्रॉम दिस सेक्शन, किसी एक को आप क्या करो चूज करो सेक्शन से, और हैव टू राइट एनी वन आउट ऑफ 4 ऐसे, है ना, चार में से किसी एक के ऊपर क्या करना होता है, तो ऐसे लिखना होता है। ये भी क्या है, तो 1 आवर्स एंड हाफ आवर्स, है ना, मतलब 1.5 घंटे का क्या होता है ये भी आपका यहाँ पे, इसमें भी समझिए तो दूसरा क्वेश्चन में भी, या दूसरा ऐसे लिखने में भी 1.5 घंटा का टाइम दिया जाता है। तो हाफ 1.5 घंटा का, 1.5 घंटा का, है ना, 3 घंटे का पूरा एग्जाम होता है जिसमें दो ऐसे आपको इस चारों में से सेलेक्ट करके लिखना है। तो अब यहाँ पे ये चीज तो हो गया, लेकिन अब ऐसे जो है वो क्या होता है, तो ऐसे क्या है, ऐसे जो मिलनी होता है वो क्या होता है कि राइटिंग फ्रॉम ओपन मेंटेलिटी, है ना, मेरा हम लोग का जो मेंटेलिटी है क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे होता है, और सॉरी ऐसे बोल रहा हूँ मैं, मेंटेलिटी जो है बिल्कुल ओपन होता है ना, तो इसको ऐसे बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग ओपन मेंटेलिटी से क्या करते हैं, लिखते हैं चीजों को, तो उसको ऐसे बोलते हैं। तो ये है ऐसे का जो हमारे 2020 में जो एग्जाम हुआ था, है ना, उसके ऊपर। अब कुछ और इसमें बात है कि अब इसमें कुछ वर्ड्स भी होते हैं, तो 1000 से लेकर 1200 वर्ड्स में लिखने होते हैं, ऐसा नहीं कि लिख रहे हैं तो लिखे जा रहे हैं, है ना। ये 1000 से लेकर 1200 वर्ड में क्या करना होता है, हमें लिखना होता है ना ऐसे को, ये दोनों में लागू होता है, दोनों ऐसे के ऊपर 1000 से 1200 वर्ड में, है ना, लिखने वाला जो कंडीशंस है। और ये 250 मार्क्स का एग्जाम होता है सिर्फ ऐसे का, तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे कितना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब हमारे पास ऐसे लिखने के लिए, मैं तो अभी अभी जान लिया कि ऐसे क्या है, तो एक राइटिंग होता है जो कि ओपन मेंटेलिटी से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो ओपन मेंटेलिटी के लिए भी क्या है, यहाँ पे आपके पास उस चीज के ऊपर जिसके ऊपर लिखना है, उसके लिए हमें पहले क्या होना चाहिए, हमारे पास कंटेंट होना चाहिए, है ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं, कंटेंट तो होगा, तो अब उसको जब कंटेंट मेरे पास जब आ गया है, तो फिर हम लोग उसको एक स्ट्रक्चर में फ्रेम करते हैं, है ना। इसका भी क्या होता है यहाँ पे, तो लिखने का तरीका होता है। तो अभी हम जो कुछ इसका स्ट्रक्चर पे बात करेंगे, क्या होता है, बेसिक पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है जिसको हम लोग प्रीफेस बोलते हैं, उसके बाद उसके काउजेज आते हैं, फिर कंसिक्वेंसेस, फिर उसके ऊपर सजेशन देना दिया जाता है कि आप क्या सजेशन देना चाहते हैं उसके ऊपर, है ना। तो बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर बोले तो प्रीफेस, फिर क्या, तो काउजेज, ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, फिर कंसिक्वेंसेस और सजेशंस। तो ये मानिए तो स्ट्रक्चर होता है ऐसे लिखने का, सबसे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर उसके कुछ काउजेस जो होते हैं वो लिखते हैं यहाँ पे, फिर कंसिक्वेंसेस करते हैं, फिर लास्ट में फिर सजेशन देते हैं ना। तो ये पैटर्न होता है, ये स्ट्रक्चर है हमारा ऐसे लिखने का। तो अब जो हमारा 2020 में जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन के ऊपर मैं बात करता हूँ, तो लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी, है ना, लाइफ जो है एक लंबी जर्नी है, बिटवीन किसके बीच में, तो ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, इस दोनों के बीच में क्या है, तो लाइफ एक लंबा सा जर्नी है ना। तो अब ये फिलोसफिकल चीज हो गया, तो इसके ऊपर हमें क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे ऐसे का। तो अब लाइफ की बात कर रहा है, तो लाइफ जो है बर्थ, लॉन्ग जर्नी बता रहा है, मतलब अगर बात करें बर्थ टू लास्ट, जब तक क्या होता है कि लाइफ डेड नहीं होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग अब अपना एसे का स्ट्रक्चर बना लेंगे,
ना, इस जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे तब तक आप एक सही एसे नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस एसे का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसमें अभी हम बोले बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर प्रीफेस। तो सबसे पहला क्या करेंगे, बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे या फिर प्रीफेस करेंगे, कितने वर्ड में, 100 वर्ड्स में। फिर इसमें जो दिया गया है कुछ चीजें, जैसे ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमेन इसमें आया है, तो मीनिंग ऑफ यहाँ पे क्या करेंगे, ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन के ऊपर 150 वर्ड में पहले इसको क्या करेंगे, तो इसका मीनिंग को एक्सप्रेस करेंगे अपने ऐसे में कि क्या होता है बीइंग ह्यूमन और ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, तो फाउंडेशनल क्वालिटीज ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड ह्यूमैनिटी, ना क्या फाउंडेशनल क्वालिटीज होना चाहिए इसके लिए, इसको 200 वर्ड में क्या करेंगे लिखेंगे। इसी तरह से इसका कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बीइंग ह्यूमन का और या फिर ह्यूमैनिटी का, तो इसको हम लोग 250 वर्ड में क्या करेंगे एक्सप्रेस करेंगे। फिर इसके बाद बीइंग ह्यूमन का कुछ एग्जांपल देंगे 100 वर्ड्स में। इसके बाद कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड सोशल सर्विस, कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड सोशल सर्विस क्या है, तो ये 250 वर्ड में क्या करेंगे यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे। मतलब ये अब हमें क्या हो गया यहाँ से, तो 250 वर्ड्स ये हो गया, 250 वर्ड्स ये हो गया, 500 और ये 600 और दो 800, है ना, 800 एक 900, 900 ये, फिर आपका 150, 1150, मतलब समझ के चले तो हमारा 1200 वर्ड्स इस तरीके से हो जाते हैं, है ना। तो 1200 वर्ड या 1000 या 1200 के बीच में लिखना होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग इस तरीके से अभी 1150 वर्ड का हम लोग बिल्कुल यहाँ पे क्या कर लिया, स्ट्रक्चर बना लिए। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे पहले हम बोले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग प्रीफेस बोलते हैं या फिर इंट्रोडक्शन बोले, बात एक ही है। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे क्या था, तो लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, है ना। तो अब यहाँ पे कोशिश करते हैं कि उससे रिलेटेड कुछ कोट्स, मतलब किसी खास पर्सन का अगर कुछ वैसा कोट्स है, मतलब उनका फेमस स्टेटमेंट जो होता है वो बोले, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, तो ये सब कलेक्ट करके रखना होता है, क्योंकि यहाँ लिखने जब लिखते हैं ना तो हमारा ऐसे थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनता है, सही बनता है और थोड़ा मार्क्स वगैरह बनते हैं इससे। जैसे कि अभी यहाँ पे क्या है कि लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड बीइंग ह्यूमन, तो लेट अस टेक एटलीस्ट वन स्टेप, है ना, हम लोग को क्या करना चाहिए, तो कम से कम एक स्टेप ईच डे, प्रत्येक दिन, टू कवर द डिस्टेंस, है ना, हर दिन कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो ये वार्डियंस ना, वार्डियंस का ये क्या है, तो कोट्स है। तो ये यहाँ पे मैंने कोट्स को इस तरह से बिल्कुल मेंशन कर दिया, और किसका ये कोट्स है तो यहाँ पे ये भी लिख दिया ना, वार्डियंस। तो ऐसे पहले स्ट्रक्चर हम लोग प्रीफेस या फिर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो ये हो गया, लाइफ इज ए लॉन्ग जर्नी बिटवीन ह्यूमन बींग एंड बींग ह्यूमन, तो इसका कोट से यहाँ पे क्या डेले, लेट अस टेक एटलीस्ट वन स्टेप, कम से कम एक स्टेप ले प्रत्येक दिन, टू कवर द डिस्टेंस, क्योंकि लाइफ एक बहुत बड़ी लंबी जर्नी है, तो हर दिन हम लोग को क्या करना चाहिए, तो कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए उस इतने बड़े लंबे जर्नी का जो डिस्टेंस कवर करना है ना, तो उसमें से एक स्टेप में कुछ कवर डिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग को हर दिन क्या करना चाहिए, कम से कम एक स्टेप लेना चाहिए, जितना स्टेप लेंगे उतना आपका ये डिस्टेंस क्या होगा, कवर होता जाएगा। तो ये हो गया हमारा प्रीफेस में वार्डिंस का ये स्टेटमेंट था, मैंने कर दिया। आगे क्या है, तो बीइंग ह्यूमन या फिर ह्यूमन बीइंग या फिर बीइंग ह्यूमन, है ना, इसको आप यहाँ पे मीनिंग लिखेंगे कि
ये इसका मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले ह्यूमन बीइंग क्या है, तो एक साइंटिफिक है ना, ये साइंटिफिक चीज है बीइंग ह्यूमन। एंड जो दूसरा बीइंग ह्यूमन जो है ये फिलोसफिकल है। जो पहला है, पहला कहने का मतलब यहाँ पे ह्यूमन बीइंग की बात किया जा रहा है। तो ह्यूमन बीइंग क्या है, तो साइंटिफिक है। और बीइंग ह्यूमन जो दूसरा चीज यहाँ पे ये क्या है, तो एक फिलोसफी है, फिलोसफिकल चीज है। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है वो क्या होता है, तो एक बायोलॉजिकल एंटिटीज है। ह्यूमन बीइंग क्या है, तो बायोलॉजिकल एंटिटीज है। और ह्यूमन बीइंग का मतलब है कि एक जो क्रिएचर एग्जिस्ट कर रहा है ना, और वो क्या होता है, तो ह्यूमन है ना, इसके ये जो क्रिएचर है, जो एग्जिस्टेंट है यहाँ पे, वो क्या है, तो ह्यूमन है। तो अगर इसको हम लोग सिंपल टर्म में बोलें तो ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है कि एक मैन है ना, या फिर एक वोमैन, या फिर एक चाइल्ड है ना, ऑफ स्पीसीज। किसका, तो होमोसेपियंस का, जो स्पीसीज, एक स्पीसीज है ना, मैन, मैन वोमेन चाइल्ड है ना, कौन सा स्पीसीज का, तो होमो सेपियंस का जो स्पीसीज है ना, ये चीज होता है ह्यूमन बीइंग है ना। सिंपल टर्म में अगर बोले ह्यूमन बीइंग क्या होता है, तो एक मैन या फिर वोमेन या फिर चाइल्ड ऑफ कौन सा स्पीसीज का, तो होमो सेपियंस जो स्पीसीज है उसका, एक आदमी या फिर एक वोमेन या फिर एक चाइल्ड, यही क्या है, तो ह्यूमन बीइंग है, या फिर बोले तो एक बायोलॉजिकल एंटिटीज है। तो इस तरह से हम लोग ह्यूमन बीइंग को मीनिंग यहाँ पे लिख दिए। फिर अगला जो है, एक बीइंग ह्यूमन ना, द फ्रेज बीइंग ह्यूमन इज नेचुरली कनेक्टेड टू कंपैशनेट बिहेवियर एंड ह्यूमिटेरियन एफर्ट्स। एज वी ह्यूमंस, हम लोग क्या देखते हैं, सिम टू बी इन लव विथ वेटर नेचर्स, ये है। फिर इस तरह से आगे जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे क्या आता है कि ह्यूमन बीइंग क्या होता है, तो कोई लिविंग पर्सन दोज हु कैन टॉक ना, जो क्या कर सकता है, बात कर सकता है, वॉक कर सकता है, खा सकता है, डाइजेस्ट कर सकता है। मींस इसका मतलब हुआ कि दोज हु नोज टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग, जो क्या जानता है कि एक दूसरे का फीलिंग को एक्सप्रेस करना जानता है ना, वो क्या है, तो ह्यूमन बीइंग है। तो ये सारे ह्यूमन बीइंग का हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये मीनिंग को हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो बीइंग ह्यूमन वो था ह्यूमन बीइंग। अब है यहाँ पे ये जो, अभी ये तो साइंटिफिक टर्म था, इसका हम लोग मीनिंग लिखे। अब यहाँ पे क्या है, एक तो ये फिलोसफिकल वर्ड है बीइंग ह्यूमन। तो बीइंग ह्यूमन क्या है, तो एक तरह का कैरेक्टर है ना, जो क्या पॉजिस करता है, ह्यूमनिटी या फिर सोशल थिंकर जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक कैरेक्टर होता है। तो बीइंग ह्यूमन एक क्या है, एक तरह का बोले तो एक तरह का कैरेक्टर है, जो कि किसमें एग्जिस्ट करता है, सोशल थिंकर में या फिर ह्यूमैनिटी में। अब यहाँ पे क्या है अगला, आगे हम लोग जब इस पे अगर बात करेंगे बीइंग ह्यूमन पे, तो क्या होगा कि जितने भी हम लोग हैं वो क्या है, ह्यूमंस है, लेकिन इसमें से कुछ जो है वो क्या है, तो बीइंग ह्यूमन है ना। क्योंकि बीइंग ह्यूमन क्या होता है, तो इसमें एक क्या होता है, कैरेक्टर होता है, स्पेशलिटी होता है। जिस ह्यूमन में ये स्पेशलिटी होगा या फिर एक कैरेक्टर होगा है ना, वही क्या कहलाएगा, बीइंग ह्यूमन कहलाएगा। ऐसे हम लोग तो सारे यहाँ पे क्या है, अगर बात करेंगे इस पूरे वर्ल्ड का या फिर पूरे अर्थ पे जितने भी ह्यूमंस है, वो सारा क्या है, ह्यूमन बीइंग ही है। लेकिन बीइंग ह्यूमन क्या होता है, तो इसमें वही लोग हैं यहाँ पे बीइंग ह्यूमन जिसके पास एक कैरेक्टर है, ये स्पेशलिटी होता है, मतलब कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, तो बीइंग ह्यूमन कहलाते हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि कुछ सिंपल थिंग है ना, जो क्या करता है वही हम लोग को क्या कर सकता है, डिफ्रेंशिएट कर सकता है बीइंग ह्यूमन में और ह्यूमन बीइंग में, है ना। ह्यूमन बीइंग और बीइंग ह्यूमन में क्या कर सकता है, कुछ एक सिंपल चीज है जो दोनों के बीच में क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है ना। तो डिफ्रेंशिएट क्या करता है, जो कैरेक्टर जैसे कि ह्यूमनिटी का है ना, जो कैरेक्टर पॉजेस करते हैं तो वही कहलाएंगे यहाँ पे बीइंग ह्यूमन। ऐसे ह्यूमन बीइंग तो ऑलरेडी मतलब बाय बर्थ ही सब लोग यहाँ पे ह्यूमन बीइंग है, लेकिन बीइंग ह्यूमन के लिए क्या होना पड़ता है यहाँ पे, तो ये सारे कैरेक्टर लाने पड़ते हैं। जब आपके पास ये सारे कैरेक्टर जो अच्छे कैरेक्टर होते हैं, जो सही कैरेक्टर होते हैं ह्यूमन, जिससे आपका में ह्यूमनिटी दिखे है ना, अगर वो कैरेक्टर है तभी आप बीइंग ह्यूमन कहलाएंगे, अदरवाइज आप बीइंग ह्यूमन नहीं है। तो बीइंग ह्यूमन होने के लिए यहाँ पे कैरेक्टर डेवलप करने होते हैं, है ना। और बाकी बाय बर्थ तो ह्यूमन बीइंग हम लोग होते ही हैं। तो अब ये अगला चीज है कि जो कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं बीइंग ह्यूमन या फिर ह्यूमनिटी का, वो क्या है एट्रीब्यूट्स। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि हम लोग जो कुछ भी ऐसे पढ़ते हैं, है ना, फिलोसफी जब बात करेंगे, बुद्धिज्म हम लोग पढ़े हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये सब चीज को रिलेट करते करेंगे लिखेंगे ना, तो हमारा एसे जो है वो अच्छा लिखाएगा, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें मार्क्स वगैरह बनेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू फिलोसफी ऑफ थेरवाद बुद्धिज्म जो है ना, तो थेरवाद बुद्धिज्म का जो फिलोसफी है वो क्या कहता है कि एक गुड ह्यूमन बींग जो होता है वो एक क्या है, तो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जिसके जो क्या करता है, तो एक अच्छा एक्शन लेता है फिजिकली मेंटली एंड वर्बली कंसिस्टेंटली, है ना। वही क्या कहलाता है, एक ह्यूमन बीइंग जो होता है वो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, जो क्या करता है, तो अच्छा एक्शन लेता है फिजिकली मेंटली और कंसिस्टेंटली, है ना। तो ये था हमारा थेरावाद बुद्धिज्म का मतलब, फिलोसफी का ऐसा कहना कि एक गुड ह्यूमन या गुड ह्यूमन बीइंग वही होता है जो एक इंटेलिजेंट पर्सन होता है, मतलब इंटेलिजेंटली यहाँ पे क्या करता है, तो वो एक्शन लेता है फिजिकली मेंटली और कंसिस्टेंटली। उसके बाद क्या है कि अगले पॉइंट में हम लोग क्या यहाँ पे एक्सप्रेस करेंगे, तो विजडम इज प्यूरिफाइड बाई मॉरलिटी। विजडम जो होता है वो प्यूरिफाइड किसके द्वारा होता है, तो मॉरलिटी के द्वारा, एंड मॉरलिटी प्यूरिफाइड बाई विजडम, है ना, वाइस वर्सा है कि विजडम जो है तभी प्यूरिफाइड होगा जब यहाँ पे मॉरलिटी आएगा, और मॉरलिटी तब ये प्यूरिफाइड होगा जब यहाँ पे क्या होगा, विजडम होगा। तो दोनों यहाँ पे विजडम और मॉरलिटी क्या है, वाइस वर्सा हो गया। तो वेयर वन इज द अदर इज, जहां पे एक होगा वहां पे दूसरा होगा, है ना। द मोरल मैन हैज विजडम, जो आदमी मोरल होगा उसके पास क्या होगा, तो विजडम होगा। और जो वाइज मैन है उसके बाद क्या होगा, तो मोरलिटी होगा, है ना। जो मोरल मैन है उसके पास विजडम होगा, और जो वाइज मैन है जो उसके पास मोरलिटी होगा, है ना। एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ, और दोनों का यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन होता है क्या, मोरलिटी का और विजडम का, उसको क्या बोलते हैं, तो हाईएस्ट थिंग, जिसके पास दोनों चीज आ गया वो हाईएस्ट थिंग हो गया इस पूरे वर्ल्ड में, है ना। सबसे ऊंचा चीज इसके पास आ जाएगा अगर दोनों चीज हो गया तो, है ना, मोरलिटी को भी मिला दे और विजडम को भी मिला दे, तो दोनों एक बहुत बड़ा चीज बन जाता है इस वर्ल्ड का। तो ये हो गया। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे, अगला जो पॉइंट में कर लिखेंगे, तो फाउंडेशनल क्वालिटीज, जो जो हम लोग पॉइंट लिखे हैं, है ना, उसी के ऊपर हम लोग ये सब एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी चीजों को। पहले नहीं हम लोग डिवाइड कर लिया कि हमको क्या चीज कितने वर्ड्स में लिखने हैं। तो फाउंडेशनल क्वालिटीज अब क्या है बीइंग ह्यूमन या फिर ह्यूमनिटी के लिए, तो क्वालिटीज दैट फॉर्म ऑफ द फाउंडेशन ऑफ ऑल अदर ह्यूमन क्वालिटीज इंक्लूड, जैसे कि क्या क्या इसमें आता है, ऑनेस्टी, ह्यूमैनिटी,
इंटीग्रिटी, करेज है ना, सेल्फ अवेयरनेस भी जरूरी है, एंड होल हार्टेडनेस है ना, होल हार्टेडनेस, किसी भी चीज को मतलब बाई हार्ट बोलते हैं ना, बाई हार्ट करना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए है ना। तो ये सब जो क्वालिटीज है ना, जो क्या आपको फॉर्म करता है, ऑल ह्यूमन का क्वालिटीज में कौन कौन जैसे आ जाता है यहाँ पे, तो ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, करेज, सेल्फ अवेयरनेस एंड होल हार्टेडनेस है ना, ये चीज है। तो दीज क्वालिटीज डिफाइन, ये क्वालिटीज क्या डिफाइन करता है कि कौन जो है वो ह्यूमन बीइंग है ना। और ये क्या करता है, तो राइट चीज करता है, मतलब सही चीज करता है ना, क्या चीज, रेदर देन डूइंग गुड थिंग्स। उसके बाद दे ट्राई देयर बेस्ट टू अंडरस्टैंड द थिंग्स अराउंड, वो क्या करता है, जो भी चीजें मतलब चारों तरफ होता है उसको अच्छे वे में समझने का कोशिश करता है, मतलब समझता है। और दे आर अवेयर एंड इवॉल्व पीपुल है ना, वो क्या होता है, अवेयर होता है और पीपुल यहाँ पे इवॉल्व होता है। दे ऑलवेज, वो हमेशा क्या करता है कि वो लर्निंग के मोड में होता है, मतलब सीखने का मतलब हमेशा वो रखता है कैपेबिलिटी है ना, हमेशा वो सीखना चाहता है ना, लर्निंग मोड ओपन रखता है इसका, हमेशा खुला रहता है ना। एंड नेवर थिंक, कभी वो ऐसा जो है वो सोचता नहीं है कि वो हर चीज जानता है ना। एक अच्छा ह्यूमन का यहाँ पे क्या होता है पहचान, कि वो हमेशा लर्निंग के मोड में, मतलब उसका जो लर्निंग का मोड है वो ओपन होता है, मतलब हमेशा वो सीखने के लिए अग्रसर होता है, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब वो जो अच्छे इंसान होते हैं वो ऐसा नहीं समझते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं है ना, मतलब मैं हर कुछ जानता हूँ, ऐसा नहीं है। एक अच्छे इंसान होते हैं ना, या फिर ह्यूमन बीइंग बोले तो, जो ह्यूमन बीइंग का एक अच्छी क्वालिटीज क्या होती है कि उसमें हर समय सीखने का उसमें क्या हो, तो क्षमता हो, ऐसा नहीं समझे कि हम सब कुछ जानते हैं, मतलब हर समय वो सीखने के लिए क्या रहे, तो रेडी रहे, ये कैरेक्टर होता है ह्यूमन बीइंग का। तो दे कॉन्स्टेंटली कीप लर्निंग फ्रॉम एनीथिंग, वो किसी भी चीज से क्या करता है, तो लगातार सीखता जाता है। एंड एवरीथिंग वन कैन इमेजिन, और वो हर चीज मतलब एक इंसान जो है वो सोच सकता है, इमेजिन कर सकता है। तो अब उसके बाद क्या करते हैं, तो दे यूज विजडम टू हैंडल नॉलेज, वो अपने नॉलेज को हैंडल करने के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो विजडम का यूज करते हैं। दे नेवर जज द पीपुल अंटिल इट बिकम्स इनइविटेबल, बिकॉज दे नो फॉर श्योर दैट नो ह्यूमन बींग इज परफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि कोई भी यहाँ पे ह्यूमन बींग जो है वो परफेक्ट नहीं है ना, नो मैटर हाउ वन ब्रिंग दैट दे आर परफेक्ट। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि अब कौन किस वे में मतलब समझता है कि वो परफेक्ट है ना अपने आप को, तो ऐसा मानना है कि मतलब यहाँ पे कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है परफेक्ट नहीं है, किसी ना किसी तरह का उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती ही है ना, कुछ पॉजिटिवनेस, कुछ नेगेटिवनेस हर ह्यूमन बीइंग में एग्जिस्ट करता है। तो दियर माइंड इज हाईली कंसेंट्रेटेड, जो ह्यूमन बीइंग का माइंड होता है वो कंसेंट्रेटेड होता है, बिल्कुल फोकस्ड होता है, एंड सेपरेट, इतना ज्यादा मतलब इसका कंसेंट्रेटेड होता है, फिर फोकस्ड होता है कि वो जो हस्क होता है ना, मतलब ऐसे बोले तो मतलब भूसा वगैरह जो होते हैं, उस भूसे में से क्या कर लेते हैं, तो ग्रेन मतलब जो अनाज होता है ना उसको अलग कर लेते हैं, इतना ज्यादा इनका कंसंट्रेशन होता है। मतलब ये कहने का मतलब एक तरीका है कि मतलब बिल्कुल इसमें ये हस्क है, मान के चलिए इसमें बिल्कुल ये छुपा हुआ है ना, ये भूसे वगैरह है, इसमें से क्या कर लेते हैं, तो ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं, इतना ज्यादा इनका माइंड क्या होता है, फोकस्ड होता है, कंसंट्रेटेड होता है, कि इस छुपे हुए चीजों में से भी क्या करते हैं, वो अपना ग्रेन को सेपरेट कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जीरो इन ऑन द मेन पॉइंट, लाइटनिंग फास्ट एंड इवन इंटुटिवली, ये चीज है, मतलब जीरो से
आगे मतलब बढ़ते हैं, उस सीखने के बाद फिर धीरे धीरे सीखते जाते हैं, सीखते जाते हैं, है ना। तो ये चीज है बीइंग ह्यूमन का जो फाउंडेशनल क्वालिटीज है, ये चीज होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, एक्सेलेंट मेमोरी होता है, मतलब याद रखने की भी अच्छी एक एक्सेलेंट मेमोरी होता है इनके, ह्यूमन बीइंग का। दे इजली रिलेट लिंक व्हाट दे नो टू अदर थिंग्स वेरी फास्ट, बहुत जल्दी क्या कर लेते हैं, रिलेट रिलेट कर लेते हैं। तो बोले तो हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन पॉसिबल यहाँ पे है। और फिर दे रीड, ये क्या करते हैं, पढ़ते हैं, फिर देखते हैं, फिर सुनते हैं, है ना। लॉट ऑफ न्यूज एंड पॉजेस वेरी गुड जनरल नॉलेज, इस तरह से वो न्यूज देखकर, पढ़कर, सुनकर क्या करते हैं, तो अपने आप को अपडेटेड रखते हैं, है ना। और अच्छे खासे इससे क्या करते हैं, तो नॉलेज मतलब जनरल नॉलेज वाली जो बातें हैं न्यूज के थ्रू, है ना, वो क्या करते हैं, पढ़कर, देखकर और सुनकर वो सीखते हैं, जनरल नॉलेज डेवलप करते हैं, है ना। उसके बाद दे इंजॉय सॉल्विंग प्रॉब्लम, और ये इनको प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं, मजे से इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं अगर कोई समस्या होता है तो। और एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इसमें क्या होता है, अच्छे खासे होते हैं ह्यूमन बीइंग में ना। तो ये है फाउंडेशनल क्वालिटीज ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर बीइंग ह्यूमन के लिए। तो पर्सनालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी में अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो पर्सनालिटीज ऑफ ह्यूमैनिटी क्या है, जैसे कि अभी हम लोग कुछ जो खास पर्सन है, जो अच्छे पर्सन है, जो भी मतलब यहाँ पे अच्छे किए हैं, जैसे कि अभी बात करें तो डॉक्टर अब्दुल कलाम, है ना। डॉक्टर अब्दुल कलाम जो है, ये जाने माने, ये जाने जाते हैं हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, मतलब ये अच्छे पर्सनालिटी का है, इनको बीइंग ह्यूमन बोला जाएगा, है ना, क्योंकि इनका करेक्टर थोड़ा सा अच्छा है ना। तो ये ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि ये बीइंग ह्यूमन भी है ना। तो क्यों, क्योंकि ये हमारे जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, ये क्या है, तो हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं, है ना। ये कहाँ पे जन्म लिए थे, तो ये 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वरम में, तमिलनाडु, है ना, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो यहाँ पे जन्म लिए थे। और 27 जुलाई 2015 शिलोंग में, है ना, शिलोंग में क्या करके, तो ये डाइड हो गए, डेड हो गए, है ना। तो ये चीज है 2015 में। तो इस तरह से हमें ऐसे के लिए बहुत कुछ हमें पता होना चाहिए, मतलब ये सब न्यूज से पढ़कर, लिखकर, सुनकर हमें जनरल नॉलेज सब रखना होता है ना। क्योंकि ऐसे में ये सब चीज लिखने में क्या होता है, काम आता है, पर्सनालिटी जो अच्छे से जितने भी पर्सन है ना, उनके बारे में जानकारी रखना होता है। तो क्या होता है, ऐसे में हम अच्छे तरीके से उनके बारे में फिर इंफॉर्मेशन को ऐड कर पाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट, आपको धीरे धीरे जैसे जैसे आप ऐसे लिखते जाएंगे ना, जैसे अभी एक ऐसे को मैंने किया, अभी इसमें 8 ऐसे हैं, तो 8वें ऐसे को क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे, तो हर तरह से यहाँ पे किसी न किसी पर्सनालिटीज को मतलब हर ऐसे में लगभग लगभग आता ही रहेगा ना। तो इस तरह से अब एग्जाम तक हमारे पास बहुत सारे प्रैक्टिस हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को क्या है, रेगुलर एसेज पे वर्क करना है ना। तो अब आगे बात करते हैं इनके बारे में। तो ये जो है, ए विजन फॉर टुमोरोज इंडिया एंड विंग्स ऑफ फायर आर की बुक्स ऑफ अब्दुल कलाम, है ना। ये क्या है इनका, तो की बुक्स है, मतलब बोले तो मेन बुक्स है कौन, तो ए विजन फॉर टुमोरोज इंडिया एंड विंग ऑफ फायर का। तो ये पर्सनालिटीज वगैरह में यही सब ऐड किया जाता है। तो द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू मेक गुड ह्यूमन बीइंग विथ स्किल एंड एक्सपर्टाइज, इनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग्स कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स, है ना। एक इनलाइटेड, इनलाइट का मतलब क्या होना, ज्ञान की प्राप्ति, मतलब नॉलेज अचीव करना। तो इनलाइटेड ह्यूमन बीइंग क्रिएट किया जा सकता है किसके द्वारा, टीचर्स के द्वारा। टीचर ही जो है वो क्या कर सकते हैं, तो ज्ञान ह्यूमन बीइंग में क्रिएट कर सकते हैं, है ना। और दूसरी चीज है, ये जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है, ये क्यों है, मतलब एजुकेशन का पर्पस मेनली क्या है, तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए, है ना, किसके साथ,
वो साथ साथ यहाँ पे एक अच्छा और एक्सपर्टाइज स्किल को बनाने के लिए, मतलब है ना, मतलब नॉलेज या फिर एजुकेशन का पर्पस क्या है, तो क्या बनना है, तो गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। और गुड ह्यूमन बीइंग भी किस किस यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो स्किल होना चाहिए और एक्सपर्टाइज, उस चीज में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जैसे एक मान लिया जाए, अब एसेज है, तो एसेज पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेज को अभी हम लोग ये क्लासेस में देख रहे हैं ना, कि ये जो हमारा यूपीएससी का मेंस का जो एग्जाम होता है, इसमें एसेज का जो पेपर होता है वो 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है, 4 एसेज होता है, जिसमें से एक एसे आपको सेल करके लिखना होता है, सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी होता है। तो ये क्या है, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छे एसे लिखने का या फिर एसे का जो हमारे पेपर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ से क्या करें, जानकारी ले रहे हैं ना। फिर ये एसे को अब हम लोग लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि हम एक्सपर्ट हो रहे हैं अभी इसमें, मतलब एक्सपर्टाइज की में हो रहे हैं। क्या होगा कि इस तरह से अभी एक एसे की बात किए, इस तरीके से जब 10 एसे पे हम लोग बात कर लेंगे, तो हम लोग का एसे में क्या है कि और भी ज्यादा नॉलेज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर इस तरह से 10 से 15 कर लेंगे, मतलब बिल्कुल फिर क्या हो जाएंगे, एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, मतलब एक्सपर्ट हो जाएंगे हम लोग एसे में, है ना। तो अब यहाँ पे यही चीज है। तो एजुकेशन जो होता है इसका पर्पस होता है कि ह्यूमन बीइंग को क्या बनना है, तो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है ना, साथ साथ स्किल डेवलप करना है और एक्सपर्ट होना है चीजों में। और दूसरी चीज है क्या है, इनलाइटेड ह्यूमन बीइंग कैन बी क्रिएटेड बाय टीचर्स, और ये टीचर्स के द्वारा क्रिएट किया जा सकता है ना। तो ये इनका कहना है एपीजे अब्दुल कलाम का ऐसा, तो ये अब्दुल कलाम का है, मतलब ये एक अच्छा प्रश्न है ना, क्योंकि ये अच्छा बहुत कुछ अच्छे चीजें की हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए इनको ये सब इनके कोटेशन को, इनके जो बुक लिखे हैं वो, ये हमें पता होना चाहिए, इनके बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ जन्म लिए, क्या बने। उतना ज्यादा डिस्कस करना नहीं है, बस पर्सनालिटीज में हम लोग इतना क्या कर दिए, यहाँ पे मेंशन कर दिए कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, इनका जन्म इस जगह से पे हुआ था, इस डेट का हुआ था, इन्होंने डाइट किया इतने में। फिर इनका जो बुक्स वगैरह है, जो हमारे ये जिस पे ऐसे लिखा रहा है उससे रिलेटेड बात पे ही क्या करना है, इसमें मेंशन करना है ना। तो ये चीज है। और बीइंग ह्यूमन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ये अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने के लिए ये इसी से रिलेटेड चीज है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, जब सारे कोट्स को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये हुआ इनका पर्सनालिटीज ऑफ ह्यूमिनिटी में। इस तरह से और भी अदर पर्सन है, जैसे अभी एक पर्सन के बारे में देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम। फिर आगे जैसे गांधी जी, है ना, गांधी, अब ये थोड़े बड़े पर्सन है, तो इनको हम लोग रिस्पेक्ट से गांधी जी बोलते हैं, है ना, ये हमारे नेशंस फादर हैं। तो खैर मैंने जी यहाँ पे छोड़ दिया है, बट मैं बोल देता हूँ गांधी जी, है ना। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव्ड इन ह्यूमैनिटी, वो ह्यूमैनिटी में क्या करते थे, बिलीव करते थे, है ना, ह्यूमैनिटी में ही ट्रस्टेड एंड हैड फेथ, है ना, दैट देयर वेयर गुड पीपुल इन द वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे क्या है, अच्छे लोग हैं, मतलब इनके मतलब ह्यूमन के ऊपर ट्रस्ट या फिर बोले तो फेथ, है ना, क्योंकि ये जानते हैं कि देयर वेयर गुड पीपल इन द वर्ल्ड, है ना, अच्छे लोग हैं यहाँ पे वर्ल्ड में। तो गांधीज वर्ड्स जी मैंने बार बार आपको यूज करना है, क्योंकि ये हमारे नेशंस फादर हैं, तो ऐसे भी रिस्पेक्ट बनता है, और हम लोग से तो बड़े भी हैं, तो भाई बनते ही हैं। तो गांधी जी वर्ड्स आर पॉइग्नेंट एंड ट्रू, इनका जो कहना बिल्कुल है, इनका जो वर्ड्स है बिल्कुल ये क्या है, तो सही है। दाउ देयर मे बी ए फ्यू ड्रॉप्स, इनका कहना क्या है कि ऐसा हो सकता है कि कुछ जो ड्रॉप्स है ओशियन का वो डर्टी है, वो मानते हैं कि कुछ पानी जो है इसका डर्टी है, कुछ मतलब ड्रॉप जो है ओशियन का वो डर्टी है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ओशियन जो है वो क्या हो, डर्टी नहीं हो सकता है ना। द एंटायर ओशियन डज नॉट बिकम डर्टी, तो पूरा ओशियन क्या है कि डर्टी नहीं हो सकता है ना। इनका कहने का मतलब है कि अगर ये इतना बड़ा ओशियन है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक बूंद ड्रॉप
या एक दो ड्रॉप जो है वो गंदा है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे ओशियन को डर्टी कर देगा ना। मतलब पॉजिटिविटी माइंड से हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, रहना है ना, इनसे ये हमको सीखने को मिलता है। तो ये इनका पर्सनालिटीज है, मतलब गांधी जी का ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह की बातें हैं, इससे भी हमको सीखने को मिलता है, थोड़ा पॉजिटिविटी हमें यहाँ से डेवलप होता है ना, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारे ह्यूमंस जो है वो सही नहीं है, बहुत सारे ह्यूमंस हैं जो सही है ना, बीइंग ह्यूमन का कैरेक्टर रखते हैं। तो ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थाउट ना, ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थाउट, व्हाट ही थिंक्स है ना, वो क्या सोचता है ना, जो वो सोचता है वही क्या बन जाता है, वो बन जाता है ना, बनता है। तो इसलिए हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोचे है ना, तो पॉजिटिव ही बनेंगे, अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो रिजल्ट भी हमारा पॉजिटिव ही आएगा। तो वही है इनका कहना, ए मैन इज बट द प्रोडक्ट ऑफ हिज थॉट है ना, अब प्रोडक्ट जो होता है इनका, इसके थॉट पे डिपेंड करता है ना, व्हाट ही थिंक्स ही बिकम, जो सोचता है वो इंसान क्या होता है, बनता है ना। तो व्हेन वी इमर्ज आवर सेल्फ, जब हम लोग अपने आप को क्या करते हैं कि एक पॉजिटिव थिंकिंग में अपने आप को डाल लेते हैं, इमर्ज कर जाते हैं उसमें, तो वी विल बिकम पॉजिटिव आवर सेल्फ, तो हम लोग खुद भी खुद क्या हो जाते हैं, तो पॉजिटिव हो जाते हैं है ना। इफ वी थिंक दैट वी माइट फेल, वी प्रोबेबली विल है ना, अगर ऐसा हम लोग सोच लेते हैं कि हम फेल होंगे तो फिर क्या हो जाता है, वैसा ही कुछ हो जाता है ना। तो इसलिए जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही होता है, तो वी प्रोबेबली विल, व्हाट वी थिंक वी बिकम, जो भी हम सोचते हैं वैसा ही हम लोग बनते हैं, थिंक गुड थॉट्स, तो हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोगों को हमेशा अच्छा सोचना चाहिए है ना, कैसा सोचना है, अच्छा सोचना चाहिए। तो इस चीज से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहे हैं। तो थिंक मोर योरसेल्फ, अपने बारे में क्या करें है ना, ज्यादा सोचें, यू आर डूइंग बेटर है ना, मतलब देन यू थिंक, मतलब आप जितना सोच रहे हो उससे आप ज्यादा क्या कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो है ना। तो ये चीज है। तो द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग है ना, जो वीक, जो कमजोर है वो कभी भी माफ नहीं करता है ना, ये माफ करने का एट्रीब्यूट किसमें होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग का है, जो मजबूत होता है वही क्या कर सकता है, किसी भी चीज को माफ कर सकता है या फिर उसको फॉरगिव कर सकता है, क्षमा कर सकता है ना। लेकिन वीकनेस में क्या होता है, जो कमजोर है वो ऐसा नहीं कर सकता है। ये फॉरगिवनेस वाली जो करेक्टर है वो किसमें आता है, जो ह्यूमन यहाँ पे क्या है, स्ट्रांग होता है वही फॉरगिव करता है। तो ये चीज है, फॉरगिव अब यहाँ पे हैव द फेथ टू फॉरगिव अदर्स है ना, हैव द फेथ टू फॉरगिव अदर्स, फॉरगिवनेस डज नॉट मेक यू वीक, इससे फॉरगिवनेस जो है आपको कमजोर नहीं बनाता है, ये क्या है, तो एक ताकत होता है, इट इज एक स्ट्रेंथ, एज यू फॉरगिव अदर, जैसे कि आप दूसरे को आप माफ करोगे, यू विल फील एन एडेड मेजर ऑफ पावर, आप कुछ अच्छा फील करोगे है ना। फॉरगिवनेस इनेबल्स अस टू मूव फॉरवर्ड, ये हमें आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, इनेबल करता है लाइफ के साथ, इन स्पाइट ऑफ डिफिट और हर्ट, चोट पहुंचाना या फिर हारना, इसके बदले में क्या करता है वो, इसके जगह पे क्या करता है, हमें लाइफ में आगे बढ़ाता है वो है ना, आगे के लिए इनेबल करता है। तो हमें दूसरे को कभी कभी क्या है कि फॉरगिव करना चाहिए है ना, इससे क्या होता है कि हमें एक मौका मिलता है आगे बढ़ने का। तो गांधी जी थाउट अस टू नेवर लूज फेथ इन ह्यूमनिटी, कभी भी ह्यूमनिटी में जो फेथ होता है ना उसको लूज नहीं करना चाहिए, खोना नहीं चाहिए है ना। टू वॉच आवर थाउट, अपने थाउट को देखने के लिए, टू रिमेक आवर सेल्फ, एम्फेटाइज एम्फेटाइज विथ अदर्स एंड लर्न टू फॉरगिव, हमें फॉरगिव
के लिए क्या करना चाहिए, सीखना चाहिए, है ना, कि एक अच्छा चीज है। हम किसी दूसरे को क्या करें, फॉरगिव करें, उससे क्या होता है कि हमें फॉरवर्ड आगे बढ़ने का लाइफ में क्या होता है, तो एक वहां पे इनेबल करता है ये चीज, है ना। तो हमें ये चीज यहाँ से सीखने को मिला, ये गांधी जी से, है ना। इतनी बड़ी बातें सिखाए हमें गांधी जी, है ना, हमारे हमको पॉजिटिविटी भी की है, पॉजिटिव भी की है ना। अब यूपीएससी के हम लोग एस्पिरेंट हैं, तो हम लोग को ज्यादा पॉजिटिविटी का जरूरत होता है ना। तो अच्छा लगा। तो इससे क्या होता है, ऐसे ऐसे लिखते रहेंगे, तो इससे अगर 10-15 ऐसे लिखेंगे तो आपके पास बहुत नॉलेज आएगा। तो ये चीज है। अब ये तो दूसरा पर्सनालिटीज गांधी जी के बात की। अब अगला एक मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर किंग, है ना, ये थर्ड पर्सनालिटीज के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब ये जो थे मार्टिन लूथर किंग, ये एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे, है ना, एंड सोशल राइट्स एक्टिविस्ट थे। कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट इन 1950 एंड 60s के टाइम में, है ना। तो ये एक क्या थे, तो ही वाज ए लीडर ऑफ द अमेरिकन राइट, अमेरिकन सिविल राइट मूवमेंट जो था ना, ये वहां के क्या थे, तो लीडर थे। ही ऑर्गेनाइज ए नंबर ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, बहुत सारे ये पीसफुल प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किए, एज हेड ऑफ सदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग फेमस मार्च ऑन वाशिंगटन। ऐसे ऐसे चीजें बहुत सारे कुछ किए हैं, है ना। तो ये चीज था तीसरे पर्सनालिटीज के ऊपर। तो इस तरह से हमें कुछ पर्सनालिटीज के मतलब एग्जाम्पल के तौर पे देते हैं ना, तो हमारा जो इससे है बिल्कुल अच्छा लिखाता है। फिर अगला है कि कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमैनिटी एंड सोशल सर्विस। अब यहाँ पे जो ये इनका कंट्रीब्यूशन क्या है ह्यूमैनिटी के ऊपर और जो सोशल सर्विस है उसके ऊपर, तो नॉलेज एज ए कंट्रीब्यूशन, नॉलेज एज ए कंट्रीब्यूशन में हम लोग बात करेंगे कि नॉलेज इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है क्या, तो नॉलेज यू कैन मेक, है ना, जो कि आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, एंड कैन देयर फोर बी द बेस्ट कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट यू कैन गिव समवन और सोसाइटी। और यही एक अच्छा चीज है ना, जो कि हम क्या कर सकते हैं कि नॉलेज एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ना, जो आप किसी को क्या कर सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो ना, और कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे कि मैं थोड़ा बहुत मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को अपने नॉलेज को, जो जो कुछ भी हमारे पास है, मैं उसको एज ए गिफ्ट के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ, है ना। और बस आप एक ही चीज करें, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप ये जो लेक्चर हैं ये ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले, सीखने को मिले, है ना। और सब्सक्राइब कीजिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या होगा कि हम अगले जो एसे लेकर आएंगे, है ना, अगला एसे का जो क्लासेज होगा उसका आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और साथ साथ में क्या करें, तो आप वीडियो अगर देख रहे हैं तो आपको अगर अच्छा लगता है ना, तो लाइक जरूर करें, क्योंकि इससे हमें क्या होता है, पॉजिटिविटी मिलता है, हमें लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो सही है, लोगों को अच्छा लग रहा है ना। तो आप जो है देखते हैं जब लेक्चर को, तो आप क्या करें, लाइक करें, और जो लोग हैं जिनके पास मतलब ये सारे बहुत कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं ना पढ़ने के लिए, तो उन तक ये चीज़ पहुँच सके। तो ये चीज़ है। तो खैर अभी यहाँ पे बात आया था, तो मैंने यहाँ पे इसको अपना कोरिलेट कर लिया इसी चीज से। तो नॉलेज जो होता है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है ना, जिसको कि आप क्या कर सकते हो, यू कैन मेक एंड कैन देयर फोर बी द बेस्ट कंट्रीब्यूशन और गिफ्ट यू कैन गिव समवन। मतलब आप एक अच्छा चीज है जो आप दे सकते हो किसी को, या फिर अपने समाज को दे सकते हो, है ना। नॉलेज ही अच्छा नॉलेज दोगे तो आपका समाज में डेवलपमेंट आएगा ना, ये चीज है। वी ऑल नो द क्योट। अब जो कुछ कोट है ना,
गिव ए मैन, जैसे कि गिव ए मैन ए ब्रेड एंड यू फीड हिम फॉर ए डे, अगर आप एक आदमी को एक रोटी देते हो है ना, तो आप एक दिन खिला रहे हो उसको, लेकिन वही आप उसको क्या करो कि टीच ए मैन टू अर्न एंड यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम, लेकिन वही चीज आप उसको सिखा दो, उसको नॉलेज दो है ना, उसको पढ़ा दो, उसको सिखा दो है ना कि कैसे अर्न करना है ना। अगर आप उसको अर्निंग सिखा दिए, इसका मतलब है कि आपका लाइफ टाइम के लिए उसका आप क्या किए, उसको ब्रेड दिए, मतलब अब उससे क्या हुआ कि पूरे लाइफ वो क्या करेगा तो खाएगा है ना। लेकिन अगर आप एक ब्रेड देते हो तो उससे क्या है, या फिर ब्रेड देते हो है ना, मतलब यहाँ पे मेनली कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक दिन का खाना देते हो या उसको एक खाना खिलाते हो तो एक दिन आपने खिलाया, लेकिन अगर उसको आप ये सिखा देते हो, ये उसको नॉलेज दे देते हो कि कैसे अर्न किया जाता है ना, तो वो क्या कर लिया, अर्निंग वो जब आप सिखा दिए तो पूरे लाइफ टाइम के लिए आप किए कि आप उसको भोजन दिए है ना, क्योंकि वो लर्निंग ये अर्निंग सीख गया तो अब अर्निंग कमा लेगा, तो फिर उससे वो अब क्या करेगा पूरे टाइम तक उससे अब वो खा लेगा है ना। तो ये चीज होता है, नॉलेज में इतनी बड़ी पावर है ना। तो आप क्या करें कि आप ब्रेड देने से बेटर है कि आप उसको नॉलेज दीजिए है ना, ताकि वो क्या करे उस नॉलेज से अर्निंग सीखे है ना, और उस अर्निंग का मतलब है कि वो लाइफ टाइम के लिए अपना आप उसको लाइफ टाइम के लिए भोजन दे दिए है ना। तो ये चीज है, तो एजुकेशन एंड नॉलेज लिटरली चेंज लाइफ्स। एजुकेशन जो है और नॉलेज जो है वो क्या करता है, तो लाइफ को बदल देता है ना, लाइफ को क्या करता है बदलता है। इट मेक्स एनीथिंग दैट इज फिजिकली पॉसिबल अचीवेबल है ना, जो कि प्राप्त करने योग्य है ना, वो क्या करता है, इट मेक्स एनीथिंग दैट इज फिजिकली पॉसिबल अचीवेबल है ना, जो बनाता है, जो पॉसिबली है, मतलब जो अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अब हम लोग ये जो एसे है, तो मैं एसे बता रहा हूँ आपको, तो इससे आप नॉलेज गेन कर रहे हो, इसका मतलब ये इससे आप सीखने से क्या होता है कि आप अगर चाहें तो आप यूपीएससी का एग्जाम क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो है ना, मतलब एग्जाम निकाल सकते हो, और एग्जाम निकालने के बाद आप एक अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो है ना। तो ये कैसे होगा, ये आपका जितने सब्जेक्ट चल रहे हैं यहाँ पे, सीसेट का मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका हिस्ट्री में मेडिवल हिस्ट्री हो गया, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, ये सारे कुछ मैं यहाँ पे मैं इसका नॉलेज दे रहा हूँ, क्यों ट्रेन कर रहा हूँ है ना, साथ साथ हम लोग इससे क्या है नॉलेज ले रहे हैं, ताकि ये इस एग्जाम में इस सारे नॉलेज की जरूरत होती है। अगर ये मैं नॉलेज कंटिन्यू हम लोग सीखते चले जाएंगे तो वन टाइम्स क्या है कि हमारा ऐसे पेपर बिल्कुल आसान हो जाएगा, हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं तो ऐसे को लिख सकते हैं है ना। तो 250 मार्क्स अगर आप अचीव करते हैं तो फिर एग्जाम निकालना क्या होता है, थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो ये चीज है, जो कुछ भी नॉलेज में इतनी बड़ी पावर होती है, और अभी जान रहे हैं कि एजुकेशन और जो नॉलेज है वो क्या करता है, तो हमारी लाइफ को बदल देता है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एजुकेशन लेते लेते क्या होता है, हम लोग एक अच्छे पोस्ट में चले जाते हैं, तो हमारा फिर लाइफ बदल जाता है ना, रहने का, खाने का, पहनने का है ना, फिर समाज में कुछ करने के लिए हमारे पास ये चीज भावनाएं आते हैं। तो ये चीज है नॉलेज में, तो नॉलेज को इसीलिए बोला जाता है एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट है। तो नॉलेज एज एन इन्वेस्टमेंट कैन मीन एन इन्वेस्टमेंट फॉर योर सेल्फ, योर कैरियर, योर रिलेशनशिप्स, योर हेल्थ, योर सर्वाइवल एंड वेलबींग ना, ये है नॉलेज में पावर है ना। नॉलेज एक अगर इन्वेस्टमेंट माने है ना, इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, तो अपने इन्वेस्टमेंट कर ले कर रहे हो अपने आप को भी, अपने कैरियर को भी, अपने रिलेशनशिप को भी, अपने हेल्थ को, अपने सर्वाइवल को और वेलबींग को, इतनी कुछ आप में इससे क्या हो रहा है, ये चीज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के थ्रू। तो एजुकेशन एंड नॉलेज इज नेसेसरी, इसलिए बोला जाता है कि एजुकेशन और नॉलेज ज्ञान जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। किस चीज के लिए, तो फॉर सर्वाइवल एंड कंट्रीब्यूशन
ऑफ आवर स्पीसीज एज वेल एज आवर एडवांसमेंट, है ना, ये चीज। फिर अगला बोल रहा है ए वर्ल्ड विदाउट टीचर, एक दुनिया जहां पे टीचर नहीं हो, है ना, या फिर एजुकेटर नहीं हो, या फिर इंस्ट्रक्टर नहीं हो, या कोचेज नहीं हो, या फिर मेंटर्स नहीं हो, तो वुड नॉट सर्वाइव फॉर वेरी लॉन्ग, है ना, तो वो लंबे समय तक क्या हो सकता है, सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे टीचर्स का होना, एजुकेटर्स का होना, इंस्ट्रक्टर्स का होना, कोचेज का होना, मेंटर्स का होना बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है ना। तो अगर यहाँ पे कोई भी वर्ल्ड जहां पे ये सब चीज नहीं है तो लंबे समय तक नहीं चल सकता है। स्किल्स वुड बिकम एक्सटिंक्ट एंड लॉस्ट, स्किल जो होता है वो क्या होता है, एक्सटिंक्ट और लॉस्ट होता है। अ वर्ल्ड विथ स्टैग्नेटिंग एजुकेशन एंड नॉलेज वुड नॉट सी एनी एडवांसमेंट, जहां पे मतलब स्टेगनेंट एजुकेशन है, बिल्कुल एजुकेशन का जहां पे वैल्यू नहीं है, या फिर नॉलेज बिल्कुल नेगेटिविटी वाला नॉलेज है, तो वहां पे क्या हो सकता है कि कोई ज्यादा एडवांसमेंट नहीं हो सकता है। एनी एडवांसमेंट जैसे कि मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, पीपल एंड सोसाइटी में क्या होता है कि बहुत बड़ा क्या है, एडवांसमेंट नहीं आता है। जहाँ पे अच्छा स्किल नहीं है या जहाँ पे एजुकेशन सही नहीं है, वहां पे सब एडवांसमेंट भी क्या होते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन यू कैन गिव टू ह्यूमन काइंड, है ना, तो आप क्या कर सकते हो, जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप, ये क्या है, ह्यूमन काइंड है ना। आप इस समाज को जिस किसी भी फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, सर्विस दे सकते हो, आपको देना चाहिए, ये हमारा ह्यूमनिटी है। तो मैंने थोड़ा बहुत अपना ह्यूमनिटी तो दिखा रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि मैं, मेरे पास जो कुछ भी है, मैं ज्यादा तो नहीं है लेकिन जो कुछ भी है मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ आपको, मतलब इस तरीके से ऐसे को लिखने में, इस तरीके से ऐसे लिखे जाते हैं। तो ये एक ऐसे हमने पूरा किया, और जो कि हमारे 2020 में ऑलरेडी ये ऐसे पूछे जा गए हैं, है ना, क्योंकि ऐसे अगर ऐसे छोटा मोटा अगर करते रहेंगे तो उससे हमारा क्या है, यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाएगा, है ना। तो अगर यूपीएससी का स्टैंडर्ड बनाना है तो सबसे पहले हमारा, हमें क्या करना होना चाहिए कि जो भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसी क्वेश्चन को पहले क्या करो, तो सॉल्व करो। इससे क्या आएगा, तो हम लोग के पास एक स्टैंडर्ड आएगा, मतलब इससे लगेगा कि नहीं कि हम लोग अपना एक स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, मतलब जैसा यूपीएससी में पूछा जा रहा है उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं, तो फिर हम लोग इसका मतलब है कि 100% वहां पे क्वेश्चन आएगा, तो इससे क्या हम लोग लिख लें। तो इस तरीके से एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है, और टाइम तो थोड़ा ज्यादा हो गया है इसमें, तो अब जो है बात करेंगे अगले लेक्चर के ऊपर अगली क्लास में, है ना। तो ये चीज है, तो अब मैं तो लास्ट में यही कहूंगा कि जो कोई, जो भी आप देख रहे हो, है ना, इस लेक्चर को, अब ये मैंने शुरू से स्टार्ट किया है, तो आज तो लेक्चर नंबर 1 ही है, तो शुरू से आप देखते रहिए और लगातार देखते रहिए, है ना, क्योंकि आपको नॉलेज का भी वैल्यू इसमें ऑलरेडी पता चला है इस हिस्से से, और टीचर्स का भी यहाँ पे, या फिर एजुकेटर्स, माने टीचर्स आप नहीं मानो, एजुकेटर्स, मेंटर्स, जो भी मान के चलो, है ना, उसका कितना बड़ा रोल होता है यहाँ पे। आप तो अभी इसे ही आपको सिखा रहे हैं, तो अब जो है अगर आपको अच्छा लगा, है ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ साथ ये जो है लेक्चर को सिर्फ अपने पास तक ही सीमित मत रखिए, है ना, और लोगों को भी जानने, ये स्प्रेड कीजिए, है ना, उनके पास भी भेजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तभी जा पाएगा, है ना। तो ये चीज है, फिर अब जो है हम लोग लेक्चर 2 में मिलेंगे, फिर वहां पे अगला जो एसे है उसके ऊपर बात करेंगे। तो बाय एंड टेक केयर।